आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रोजेक्टाइल एंड मोशन इन 2D रादर, उनके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। देखो, टू गन्स सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ अ हिल ऑफ हाइट 10 मीटर फायर शॉट्स एट सेम स्पीड ऑफ 5√3 मीटर पर सेकेंड एट सम इंटरवल। फर्स्ट शॉट इज फायर्ड एट 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एंड द अदर हॉरिजॉन्टली। फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग सो दैट द टू शॉट्स कोलाइड मिड एयर। देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डायग्राम इसके साथ बना हुआ नहीं है, बट डायग्राम हमको खुद से बनाना पड़ता है। तो फिर उसने दे रखा है एक सर्टन हाइट से ऑब्जेक्ट को, यू नो, थ्रो किया गया दो ऑब्जेक्ट को। तो फिर एक ऑब्जेक्ट को देखो, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, आप अगर नोटिस करोगे तो टी इक्वल टू जीरो पे देखो इसको फेंक रखा है, ठीक है, दिस इज टी इक्वल टू जीरो पे, मतलब ये पहला ऑब्जेक्ट है हमारे लिए। एंड दूसरे को हमने टी इक्वल टू टी नॉट पे फेंका है, हॉरिजॉन्टली फेंका है क्योंकि क्वेश्चन में वो दिया हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड द सेकंड वॉज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। एंड उसके बाद फिर उन्होंने कह रहा है दोनों मिड एयर पे दोनों जाके कहीं पे जाके कोलाइड करते हैं। तो वो मैंने लोकस दिखा के दोनों को कोलिजन दिखा रखा है। किसी भी कोलिजन के क्वेश्चन में एक चीज पक्का होता है कि फाइनल पोजीशन दोनों ऑब्जेक्ट का, दोनों चाहे कहीं से भी स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करें, फाइनल पोजीशन दोनों ऑब्जेक्ट का सेम होना चाहिए। एंड यहाँ पे तो स्टार्टिंग पोजीशन भी सेम है, इसलिए आप ये श्योर होकर कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लो या वर्टिकल डायरेक्शन में लो, हर डायरेक्शन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होना चाहिए दोनों के लिए। तो फिर अब अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आप लिखते हो तो सिंस आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो फिर आपको डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। तो अब दोनों के लिए जो रेस्पेक्टिव टाइम है उनको हम यूज करेंगे इक्वेशंस में। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसको हमने हॉरिजॉन्टली, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसको हमने इंक्लाइन करके 60 डिग्री पे फेंक रखा है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिकम्स यू कॉस 60 एंड टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी पे हमने मान लिया है कि कोलिजन हो रही है, तो उसके लिए टाइम इंटरवल इज पूरा का पूरा टी। तो यहाँ पे वही अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने वही लिखा है, एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस 60 इंटू टी, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए लिखा है, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। बट यही अगर सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए लिखते तो फिर क्या लिखते हैं हम, सेकंड ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यू ही है क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टली फेंका था हमने, एंड उसके लिए टाइम इंटरवल कितना है, उसको हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के फेंकने के टी नॉट सेकंड्स के बाद फेंका था। देखो, टी इक्वल टू टी नॉट पे मैंने चूज किया कि हमने उसको फेंका है, वी हैव चोजन इट टू बी थ्रोन एट टी इक्वल टू टी नॉट। तो इसका मतलब उसके पास जो टाइम है वहां तक पहुंचने के लिए, पॉइंट ऑफ कोलिजन तक, उसके लिए टाइम कितना है, टी माइनस टी नॉट टाइम बचा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम व्हिच इज टी माइनस टी नॉट, ये देखो हमने यहाँ पे लिखा है। एंड दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जब हमने इक्वेट किया तो इससे मुझे टाइम टी और टी नॉट के बीच का रिलेशन मिल गया, मतलब टी इज इक्वल टू टू टी नॉट होना चाहिए, ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करते हैं। वर्टिकली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने नीचे का डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज कर लिया है एंड ऊपर का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी देखो ऊपर की तरफ है, ये देखो ये आपका यू साइन 60 है। तो अगर आप ये यू साइन 60 देखोगे तो ऊपर की तरफ है, जबकि मैंने नीचे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन देखो दिखा रखा है। तो इससे ये पता चलता है कि इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो वाई डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। तो यही इक्वेशन में देखो मैंने यहाँ पे ये नेगेटिव के साथ डाला हुआ है, ठीक है। सो एस अभी डिस्प्लेसमेंट हम वाई एक्सिस यूज कर रहे हैं, तो यू एस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देखो यूज किया हुआ है। एक्सेलरेशन को हमने पॉजिटिव चूज किया है देखो, क्योंकि हमारा कन्वेंशन जो मैंने बताया आपको कि नीचे की तरफ पॉजिटिव चूज किया है। यही चीज सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए देखोगे, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो है देखो, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल फेंका है, तो इसका इनिशियल वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो है। तो इसके लिए जब आप यूज करोगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो क्या इसको यूज करोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, बट टाइम इसके पास कितना था, टी माइनस टी नॉट था, तो उस टाइम के साथ ही देखो यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया, तो हाफ जी इंटू टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, आपको क्लियर है। अब ये वाले टी की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी टी नॉट टू टी नॉट निकाल रखा था, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फिर यहाँ से आप हाफ जी टी नॉट स्क्वायर हमें मिल गया है। इसको फर्दर हमने यहाँ पे भी ये टी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, टी इक्वल टू टू टी नॉट सब्स्टिट्यूट किया, इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट किया, ताकि पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में हो जाए, दो वेरिएबल ना रहे, तो टी नॉट के बीच में हमें रिलेशन मिल गया। तो इससे हमने इनडायरेक्टली क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेट कर लिया है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी देखो उसने दे रखा था, इनिशियल वेलोसिटी वाज 5√3 मीटर पर सेकंड, तो ये वाले डेटा को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो 5√3 का वैल्यू डाल दिया, तो टी नॉट का वैल्यू हमें मिल गया कि वो 1 सेकंड आ रहा है, मतलब टी नॉट अगर 1 सेकंड है तो वही चीज हमने पूछा था उसने, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग सो दैट द टू शॉट्स कोलाइड मिड एयर। तो ये हमने कंडीशन को निकाल लिया। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये ग्राउंड फ्रेम से ही सॉल्व किया है, मतलब यहाँ से ग्राउंड फ्रेम से कोई भी बैठता तो उसको क्या दिखता उसके बारे में बात किया है। इसको आप ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते थे, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे एक ऑब्जेक्ट को जब आपने फेंका तो टी नॉट टाइम के बाद फिर आप दूसरे ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो जब हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी फेंक दिया, मान लेते हैं जब हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, तो उस केस में सेकेंड ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है, इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गई है।
अब रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर जीरो है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट में बैठ के अगर हम अपने फ्रेम को फिक्स कर ले तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा। अब लॉजिकली खुद ही सोच के देखो कि एक ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कह रहे हैं कि ये इससे कोलाइड भी कर रहा है, तो इजंट इट ऑब्वियस कि इसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट की तरफ होनी चाहिए, राइट? सो इफ वन ऑब्जेक्ट इज कोलाइडिंग विद द अदर एंड द अदर इज स्टेशनरी, देन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसको भी आप बोल रहे हो, वो ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेकंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। समझ आ रही है? क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल वेलोसिटी से कोई मूव करे तो ऐसे ऐसे घूम घूम के कैसे भी जाकर स्ट्राइक कर सकता है, बट अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिर जो इसका इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वही आपका डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि उसको जाकर टकराए, राइट? तो इस कंडीशन को हम एक्सप्लोर करेंगे ये रिलेटिव मोशन में कंसिडर करके। देखो यहाँ पे मैंने सेकंड सॉल्यूशन दिखा रखा है, तो ऑल्टरनेटिव यूजिंग रिलेटिव मोशन में देखो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को टी इक्वल टू जीरो पे फिर से वैसे ही डायग्राम में दिखाया फेंक रखा है, तो किसी भी एक रैंडम टाइम टी पे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दिस इज एट अ रैंडम टाइम टी इक्वल टू टी नॉट। टी नॉट मतलब वो टाइम है जब हमने सेकंड ऑब्जेक्ट को फेंका था, तो टी नॉट टाइम पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंच चुका है ये हमने मार्क कर लिया। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखो यू कॉस थीटा इनटू टी कर लिया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यू साइन थीटा इनटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कर लिया, तो ये हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस पहले ऑब्जेक्ट का मिल चुका है। उसके बाद उसकी वेलोसिटी भी देखो मार्क किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करती है तो उसको यू कॉस 60 लिख सकते हैं एंड वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा, तो वो वाली वर्टिकल वेलोसिटी भी हमने यहाँ पे लिख रखी है। अब नेट वेलोसिटी भी आपको मिल गई इसकी, बट ये है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमने क्या किया, सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर सेकंड ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, तो सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू है। अब इसके ऊपर अगर अपने आप फ्रेम को आप सिर्फ फिक्स करते हो तो ये चीज को ध्यान रखना है कि अब जिसके ऊपर आप अपने फ्रेम को फिक्स करोगे वो स्टेशनरी हो जाएगी, वो मूव नहीं करती आपके लिए। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को ही सिर्फ आप मूव करता हुआ देखोगे, बट अब आपको रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट को यूज करना है कि जिस फ्रेम में आप अपने आप को सिचुएट करते हो उस फ्रेम की वेलोसिटी को रिवर्ट करके ऐड करना पड़ेगा आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में। तो अब वही काम करते हैं, देखो यहाँ पे इस सेकंड डायग्राम में देखो आप, हमने ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट जिसको बी दिखा रखा है उस ऑब्जेक्ट को देखो राइट की तरफ एक वेलोसिटी यू दिया था, बट अब हम उसके अंदर अपने फ्रेम को फिक्स कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक क्रिस क्रॉस बना रखा है और एक इंसान खड़ा रखा है, ये जस्ट ये इंडिकेट करने के लिए कि हमारा फ्रेम जो है वो वहीं पे फिक्स हो चुका है। अब हमारी फ्रेम अगर वहां फिक्स है तो इसका मतलब ये निकलता है कि अब ये स्टेशनरी है और इसके रिस्पेक्ट में मुझे अब ए को एनालाइज करना है। तो देखो बी की वेलोसिटी जो थी उसको रिवर्ट करके ऐड किया, देखो ये बी की वेलोसिटी हमने राइट की तरफ दिखाई थी, यही वेलोसिटी मैंने इसको रिवर्ट करके ऐड कर दिया, क्योंकि रिलेटिव मोशन में आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, राइट? इसका सिग्निफिकेंस क्या है, रिवर्ट करना है, राइट? रिवर्ट करना है एंड फिर इसमें ए की वेलोसिटी के साथ आपको ऐड कर लेना है, तो रिवर्ट एंड ऐड ही आपको करना होता है। सो दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखो ये रिवर्ट एंड ऐड किया है और आपको ये पता है कि इस तरफ का यू वेलोसिटी आ गया है और इस तरफ का वेलोसिटी यू कॉस 60 है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट की तरफ आपका यू कॉस 60 आना चाहिए, बट इस केस में ऊपर की तरफ वेलोसिटी अगर u sin 60 माइनस gt है तो ये ऊपर की तरफ हो नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ होगा तो नेट वेलोसिटी अगर मैं ऐसा दिखाऊं ऐसा और ऐसा तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर दिखाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये तो ऐसा चला जाएगा, और अगर ऐसा जाएगा तो फिर b तो यहाँ पे कहीं था और b अगर यहाँ पे था तो इसके सामने से ये निकल जाएगा बट इससे कभी टकराएगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब डेफिनेटली जो पॉइंट ए मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट ए था वो अपने डाउनवर्ड जर्नी में था जब हमने फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को फेंका था, वो डाउनवर्ड जर्नी में था, तो ये वाली वेलोसिटी जैसे जीटी का वैल्यू अगर यू साइन 60 से बड़ा आ गया तो पक्का है ये वाला टर्म आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दिस टर्म विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। ये नेगेटिव होगा तभी आपका बी से वो कोलाइड कर सकता है, ठीक है? क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो फिर मैंने आपको बताया कि वो कोलाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसी वेलोसिटी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वलेंट टू नीचे की तरफ जी टी नॉट माइनस ऑफ यू साइन 60 भी लिख सकते हैं, और ये देखो एक्जैक्टली मैंने यही किया हुआ यहाँ पे। अगर आप नोटिस करोगे तो सेकंड डायग्राम में जो इक्विवेलेंट करके मैंने दिखा रखा, देखो ये इक्विवेलेंट डायग्राम दिखाया है, इसके पास नीचे की वेलोसिटी है और वो नीचे की वेलोसिटी इज जी टी नॉट माइनस ऑफ यू साइन 60 एंड हॉरिजॉन्टल में तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है यू माइनस यू कॉस 60, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है देखो इसका और इसका रिजल्टेंट वो हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एंड आपको ऑलरेडी कंसेप्चुअली मैंने बताया कि अगर ए बी से कोलाइड कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हैज टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी, तो एक्जैक्टली ये बी की तरफ ही होना चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, बस दैट्स इट। अब सिंपल ज्योमेट्री यूज कर लेना है, आपको एक्स की वैल्यू पता है वाई की वैल्यू भी पता है इन टर्म्स ऑफ टी नॉट, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ टी नॉट आपने एक्स और वाई नॉट एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकाल रखी थी, तो इस डिस्टेंसेस को यूज करके देखो अब ये टैन थीटा की वैल्यू को मैं इक्वेट करूंगा, एक वेलोसिटी वाले ट्रायंगल से निकालूंगा, ये देखो ये वेलोसिटी वाले ट्रायंगल और एक है डिस्प्लेसमेंट वाली ट्रायंगल, ये वाली डिस्प्लेसमेंट वाली ट्रायंगल आप चेक करो, ये वाली डिस्प्लेसमेंट वाली ट्रायंगल से निकालेंगे ये वाली से, ठीक है? तो इन दोनों से मिलेगा, तो टैन थीटा की वैल्यू को जैसे हमने इक्वेट कर दिया
और इक्वेट करने के बाद बस सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व करने वाला पार्ट आप आराम से बाद में देख लेना, उससे भी आपको टी नॉट की वैल्यू 1 मिल जाती है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके दिखाए आपको, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उससे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A body falls freely from a height of capital H above ground and strikes an inclined plane at a height h above ground, small h above ground. And after collision, its velocity becomes horizontal. Find small h by capital H for which the time taken to reach the ground is maximum. Okay. इसमें भी अगेन डायग्राम नहीं दिया हुआ, ये सब डायग्राम आपको खुद से बनाना होता है। एक चीज यहाँ पे देखोगे तो इंक्लाइन प्लेन का उसने इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन बेसिकली आप वेरी करोगे तो वो हाइट ही चेंज होगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये ज्यादा इंक्लाइन कर दिया हमने, ज्यादा इंक्लाइन कर दिया, तो अगर ज्यादा इंक्लाइन करेंगे तो यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा। अगर मैंने कम इंक्लाइन किया तो कोलिजन यहाँ पे होगा। तो बेसिकली ये हाइट एच जो है, ये हाइट एच, ये ऑब्वियसली आपका थीटा पे इंडिपेंडेंट ही होगा। ठीक है, तो थीटा मतलब एच जो दे रखा है वो बेसिकली थीटा का वेरिएबल होने का ही इंडिकेशन है। तो आपको ये चूज करना है कि स्मॉल एच का वैल्यू कैसा होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल एच और कैपिटल एच का रेशियो पूछा है। मतलब स्मॉल एच इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एच चाहिए सच कि आपका टाइम ऑफ फॉल जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो अब हमने क्या किया, हमने डायग्राम में ये दिखा रखा है, देखो ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी जीरो से रिलीज किया हमने, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एंड एच हाइट टोटल उसको गिरना है कैपिटल एच, बट ये जितना ट्रैवल करता है, अगर आप देखोगे ये वाली जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी वर्टिकली कोलिजन से पहले, ये कैपिटल एच माइनस ऑफ स्मॉल एच ट्रैवल कर लिया उसने। अभी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अगर ट्रैवल कर ली तो उसके लिए टाइम हमने मान लिया टी वन है। इसका मतलब कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के लिए हाफ जी टी वन स्क्वायर का यू वैल्यू हम देख सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा है। उसके बाद फिर उसने कह रखा है कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दिखा दी। अब जैसे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दिखाई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में इसका ये कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब फिर से वापस से जब इसको गिरना है, लैंड करना है जमीन पे, तो फिर से उसको कितना हाइट नीचे गिरना है, स्मॉल एच गिरना है, एंड इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है। तो एच की वैल्यू को वापस से हम लिख सकते हैं हाफ जी टी टू स्क्वायर, जहां पे टी टू इज द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम द कोलिशन इम्पैक्ट फर्स्ट इम्पैक्ट टू द ग्राउंड। मतलब ये वाला ड्यूरेशन में उसको, ये वाला ड्यूरेशन को मैंने टाइम टी टू चूज किया है, तो एच की वैल्यू को हाफ जी टी टू स्क्वायर यूज कर ली। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर चाहिए तो पहले पार्ट का टाइम एंड दूसरे पार्ट का टाइम को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो टी की वैल्यू यहाँ से निकाली, ये एज अ फंक्शन ऑफ एच आ गया। अब इसमें सिंपल कैलकुलस है, क्योंकि कोई भी चीज का अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू जीरो करना है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है एंड इक्वल टू जीरो किया, तो इससे स्मॉल एच और कैपिटल एच का रेशियो जो है 1:2 आ गया। इसका मतलब एग्जैक्टली मिडवे पे, इसका मतलब अगर ये सिचुएशन है जहां पे ऑब्जेक्ट को आप एक हाइट कैपिटल एच से रिलीज कर रहे हैं एंड इंक्लाइन प्लेन से कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी से अगर हॉरिजॉन्टल हो जा रही है, तो उस केस में अगर उसको ग्राउंड पे मिनिमम टाइम पे हमें पहुंचानी है, तो फिर स्मॉल एच की जो वैल्यू होनी चाहिए, दैट स्मॉल एच शुड बी इक्वल टू कैपिटल एच बाई 2 होनी चाहिए। दैट्स इट, मतलब मिड पॉइंट में से सोचो, मतलब उसका वर्टिकल पाथ का मिड पॉइंट से ही उसको टकराना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। From the top of a tower of height h, a ball is thrown at a speed u. Find the angle of projection for maximum range on ground. अब ये चीज आपने पहले पढ़ रखा है कि जैसे अगर मान लेते हैं ये horizontal plane का question होता और आपको यहाँ से फेंकना है एंड उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे लैंड करानी है। ठीक है, यहाँ पे लैंड करानी है, तो अगर ये यहाँ पे लैंड कर रहा है तो इस केस में इसका रेंज अगर मैक्सिमम करानी होती थी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए, तो आपको पता है कि 45 डिग्री पे ही फेंकना पड़ता था, क्योंकि 45 डिग्री पे फेंकेंगे तब रेंज मैक्सिमम आती थी, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला था रेंज का वो था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यू स्क्वायर बाय जी तो फिक्स्ड वैल्यू है, तो हमें अगर रेंज मैक्सिमम करना है तो साइन 2 थीटा को ही मैक्सिमम करना होता था, तो जो कि 1 लेते थे तो थीटा अपना 45 डिग्री आ जाता था। बट ये रिजल्ट जो है 45 डिग्री का फेंकने वाला, ये तभी वैलिड है जब आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो। अगर हाइट से आप फेंकते हो तब ये वैलिड नहीं होता है। अगर आप हाइट से किसी हाइट से फेंकेंगे तब के लिए वैलिड नहीं है। एक अच्छी चीज मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, पहले इसको एक जनरल तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको एक अच्छा ऑब्जर्वेशन लास्ट में दिखाएंगे जैसे नॉर्मली एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए था। तो अगर मैं इसको एक हाइट स्मॉल एज से फेंक रहा हूँ यूज वेलोसिटी से, तो उसके बाद फिर ये ऊपर जाता है, फिर उसके बाद फिर नीचे लैंड करेगा। टोटल इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया इसको रेंज आर मान लिया है। अब जनरली जो लोकस ऑफ प्रोजेक्टाइल है उसको उसकी वैल्यू को यूज करी y इक्वल टू x tan थीटा, लोकस तो आपको पता है y इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस ऑफ x बाय r, और इसी वैल्यू को जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये आ जाती है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ g x स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो ये वाली लोकस की वैल्यू है। अब इसी में अगर आप देखोगे तो जब ये यहां पे लैंड कर रहा है तो इसकी जो x कोऑर्डिनेट है और जो y कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू देखोगे तो ये रेंज ही है और y कोऑर्डिनेट देखोगे तो माइनस एच ही है, क्योंकि हम लोग जो कोऑर्डिनेट एक्सिस नॉर्मली चूज करते हैं वो क्या करते हैं, लोकस जब यूज करते हैं तो ये x और y हम ऐसा चूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल राइट की तरफ x एक्सिस मतलब प्रोजेक्शन की तरफ एंड ऊपर की तरफ का y एक्सिस है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गया। तो ये कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या किया, जस्ट लोकस में सब्स्टिट्यूट कर दिया, y = x tan थीटा
into 1 minus of x square y equal to x tan theta minus of gx square by twice of u square cos square theta में substitute कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो h तो fixed है, अब यहाँ पे u भी fixed है, ये h और ये u fixed है, variable कौन है, range और theta, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे theta को change करूँगा तो range भी change होगा। तो अगर मुझे रेंज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो बस वापस से फिर से कैलकुलस है कि dr by d थीटा क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ में डिफरेंशिएट कर देंगे, वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड देन फिर dr by d थीटा को यूज करेंगे, जीरो होना चाहिए। LHS तो कांस्टेंट है ही, हाइट जिस हाइट से हमने उसको फेंका है वो तो कांस्टेंट है, इसलिए dh by d थीटा आपका जीरो हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर सिंपल डिफरेंशिएशन है, ये r एक वेरिएबल है और tan थीटा भी वेरिएबल है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, आपने r को वेरिएबल में छोड़ दिया एंड देन tan थीटा का डिफरेंशिएशन x पे थीटा लिखा, फिर tan थीटा को छोड़ा, फिर r को डिफरेंशिएट किया, dr / d थीटा लिखा, तो dr / d थीटा तो जीरो, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो यहां पे dr / d थीटा आपकी जीरो हो गई है। फिर ये g r square by 2 u square, g by 2 u square तो constant है, इसको पहले ही बाहर रख दिया। एंड उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये जो cos square theta था उसको हमने inverse of sec square theta लिख दिया है, ठीक है, मतलब 1 by cos square theta को sec square theta लिख दिया है, 1 by cos square theta को sec square theta लिख दिया है। तो ये वाली वैल्यू अगर देखोगे तो वही है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये r square का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2r into dr by d theta, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ही क्योंकि ये वाली टर्म को मैंने क्या लिखा था, दिस टर्म वाज रिटन एज r स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर थीटा, तो वापस से प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो अभी हमने r स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, sec स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो sec स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 sec थीटा इनटू sec थीटा tan थीटा आएगा, क्योंकि sec थीटा का डिफरेंशिएशन है sec थीटा tan थीटा, मतलब ये वाला पार्ट जो है दिस इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया एंड वापस से फिर जस्ट रीअरेंज करिया है, ये कंडीशन को यूज किया कि dr / d थीटा जीरो होना चाहिए क्योंकि r का मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इससे आपको r की वैल्यू मिल गई है कि कितनी होनी चाहिए। सो अभी यही r की वैल्यू को जब हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जस्ट r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है इस इक्वेशन में, ठीक है, ये वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे फाइनली सॉल्व करने के बाद यहाँ पे u square by g minus अच्छा यहाँ पे एक चीज, जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक, इसको सुधार देते हैं, u square by g ये h rhs में आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस, एन ए भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये वैल्यू मिल गई है। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। आपको ये पता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए जब आप एक ऑब्जेक्ट को एक एंगल से फेंकते हो तो फिर उस केस में अगर इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। एंड ये इक्वेशन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के बीच में जब आप रिलेशन लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है, यहाँ पे u वेलोसिटी है एंड यहाँ पे वेलोसिटी v है और इन दोनों के बीच में ये हाइट की चेंज आपकी h हो रही है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो v square equal to u square plus 2gh। इसको एंगल से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपको ये पता है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन का ही इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का सम को जब आप कांस्टेंट रखोगे तो ये रिलेशन आएगी, तो ये रिलेशन आपकी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको एंगल से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट एक हाइट h ऊपर पे अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी u पता है तो h हाइट नीचे गिरने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी v होगी एंड दैट v विल बी v square equal to u square plus 2gh। अब एक चीज मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर होते, लेट अस कंसीडर कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि आपने ऐसे यू से फेंका था एंड फाइनली जब वो लैंड किया तो फिर ये इसके साथ भी यू के साथ परपेंडिकुलर था और ये एंगल में 90 डिग्री कह रहा हूं, तो अगर इधर से ये एंगल थीटा है तो इधर से ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अनचेंज है तो ये वाली वेलोसिटी होनी चाहिए वी साइन थीटा एंड इधर से u cos theta होनी चाहिए, तो v sin theta को अगर u cos theta से इक्वेट करोगे तो tan theta की वैल्यू मिल जाएगी, tan theta will be u by v आ जाएगी। एंड इंटरेस्टिंगली पिछली बार हमें sin theta मिला था तो मैं sin theta फिर से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि sin theta कितनी आएगी, तो sin theta की वैल्यू अगर आप देखोगे तो sin theta की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, sin theta की वैल्यू आ जाएगी आपके पास sin theta इस ट्रायंगल से देखो आपको दिख जाएगा, इस ट्रायंगल में देखो आप ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा u square plus v square and v की वैल्यू को बताइए u square plus 2gh है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया देखो यहाँ पे, तो ये सब्स्टिट्यूट करने पे u square 2 हो जाएगा, तो 2 को कॉमन आउट कर लिया तो twice of u square plus 2gh रूट के अंदर रह गया, जो कि अगर आप देखोगे तो इससे बिल्कुल मैच कर रहा है ये वाले रिजल्ट को और ये वाले रिजल्ट को, देखो ये मैच कर रही है।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गया। देखो इसका मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या था, परपेंडिकुलर था। अब नेक्स्ट टाइम से जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको ये डिफरेंशिएशन वाला तरीका नहीं करना, आपको एक अच्छी चीज ऑब्जर्वेशन की तरह मिल गई है। और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, वो यहाँ पे मैंने लिखा है, रिमेंबर दैट फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर या फिर कोई भी हाइट से अगर फेंक रहे हैं, तो फिर उस केस में फाइनल वेलोसिटी आपका इनिशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहां से वी साइन थीटा इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये वाला कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन होना चाहिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये वाली कंडीशन तो आप हमेशा यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करोगे अपने आप ही सबका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। A monkey is hanging from the branch of a tree at a height of 13 meters above ground and a naughty boy wants to hit it standing at a horizontal distance of 50 meters from the tree. He throws a stone at 10 root 10 meter per second. Find the shortest time in which it can hit the monkey. Okay. अब वापस से ये सिचुएशन ऐसे दिखा रखा है कि हमने एक पर्टिकुलर जगह से ऑब्जेक्ट को फेंका है एंड मंकी एक ब्रांच से लटक रहा है, तो फिर उसको वहां पे स्ट्राइक करनी है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ओरिजिन फिर से वैसे ही वाई एक्सिस ऊपर की तरफ चूज कर लिया एंड एक्स एक्सिस नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल राइट की तरफ चूज कर लिया। तो जहां पे मंकी का लोकेशन है उस कोऑर्डिनेट्स को हमने एक्स कॉमा वाई ले लिया, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी वाई होनी चाहिए और ये वाले डिस्टेंस जो है वो हमारी एक्स होनी चाहिए। सो दीज आर यू नो समथिंग व्हिच यू कैन इजीली फाइंड आउट। इसमें एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो पता है आपको, वाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये लोकस ऑफ प्रोजेक्टाइल है। बट इसमें कोई एक फिक्स लोकस तो नहीं होगा जिसमें जाके वो स्ट्राइक करे, आप किसी भी यू नो कोई एक ऐसा लोकस भी हो सकता है जिसमें जाके हिट करे इसको, या ऐसा हो सकता है इसको जाके हिट करे। तो आपको कौन सा लोकस चूज करना है ये आपको पता नहीं अभी फिलहाल के लिए कि किसमें आपका टाइम सबसे कम आए। तो जस्ट इसमें जो वैल्यूज दिए हुए हैं उस वैल्यूज को यूज करके जस्ट ट्राई करते हैं कि यू नो कि वैल्यू कैसे आएगी। तो आप अगर देखोगे तो उसने जो डेटा दिया हुआ था उसको यूज करते हैं कि मंकी 13 मीटर ऊपर लटका हुआ था, तो ये वाली हाइट आपकी 13 मीटर थी एंड बॉय था 50 मीटर पीछे था, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी आपकी 50 मीटर हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस 50 मीटर है और इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो आपकी 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड थी। तो ये डेटा को हम लोग क्या करते हैं इस लोकस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जस्ट देखते हैं कि क्या आ रही है। तो लोकस में सब्स्टिट्यूट करने पे देखोगे तो टैन थीटा में एक क्वाड्रेटिक आ रही है, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ पे, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है इस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा था तो इसको हमने सेक्स स्क्वायर थीटा लिखा एंड सेक्स स्क्वायर थीटा को फिर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि पूरा का पूरा इक्वेशन जो है अगर आप देखोगे तो टैन में कन्वर्ट हो गया है और टैन में एक क्वाड्रेटिक आ रही है, टैन में क्वाड्रेटिक आ रही है तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो टैन थीटा को सॉल्व करने पे अगर आप देखोगे तो टैन थीटा की दो वैल्यूज आ गई है, एक 17/5 और एक 3/5। 3/5 पे छोटा है वैल्यू टैन थीटा का, इसका मतलब थीटा भी छोटा होगा एंड 17/5 बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब टैन थीटा बड़ा होगा। अब एक चीज सोच के देखो, जिसमें अगर यू फिक्स्ड एंड थीटा वेरिएबल रख रहे हो, तो अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूं तो यू साइन थीटा होगा, तो ऊपर जो उसको लेके जाएगा उस ऑब्जेक्ट को जो ऊपर लेके जाएगा वो वर्टिकल कंपोनेंट ही है, वर्टिकल कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग इट अपवर्ड्स। तो वर्टिकल कंपोनेंट आप जितना ज्यादा रखोगे वो उतना जल्दी पहुंचेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मुझे इसे कोई लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसने पूछा है हमसे, यहाँ पे उसने पूछा है कि सबसे कम टाइम में पहुंचाना है, शॉर्टेस्ट टाइम में। तो शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब है कि जैसे अगर ये सोचोगे आप कि जैसे यहां से हम फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, क्योंकि आपको पता है कि वर्टिकली ऊपर ले जाना है आपको ऑब्जेक्ट को, मतलब जिसको आप फेंक रहे हो, तो फिर इस केस में मंकी का जो हाइट है वो फिक्स है 13 मीटर है। अब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका आपने तो फिर उस केस में आपको जितना ज्यादा वर्टिकल वेलोसिटी रखोगे वो उतना जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि आप जब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज करोगे तो वाई फिक्स्ड है 13 मीटर्स एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू यू साइन थीटा इनटू टी एंड माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। यू साइन थीटा जितना ज्यादा होगा टाइम आपका ऑटोमेटिकली उतना ही कम आएगा, इसलिए जो रिक्वायर्ड आंसर होगा अपना वो छोटा वाला एंगल नहीं बड़ा वाला एंगल होगा। सो वर्टिकल के साथ ज्यादा बड़ा वाला जो एंगल आया वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो दो एंगल के लिए आप उस मंकी को हिट कर सकते थे एक गिवन स्पीड के लिए, बट उस केस में आपको जो बड़ा एंगल था वो वाला आपको लेना था, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है बट काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद स्पीड ऑफ 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर। एट द सेम टाइम द वेज इज मेड टू मूव विद अ स्पीड ऑफ 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट एज शोन, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल विल स्ट्राइक द वेज। अब अगर वेज फिक्स होता तब तो काम बहुत आसान होता, फिक्स इंक्लाइन प्लेन पे तो प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं कि सिंपल जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालनी होती है, जैसे अगर अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है
और ये फिक्स इंक्लाइन प्लेन है, और आपने क्या किया इसको ऐसे फेंक दिया है किसी भी एक आर्बिट्री वेलोसिटी यू से एंड ये एंगल अल्फा से, ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है कि इसकी जो वर्टिकल मतलब कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन होगी वो यू साइन अल्फा हो जाएगी, एंड जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है दैट इज जी कॉस थीटा। तो ये वाली कंपोनेंट को कौन इन्फ्लुएंस करेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा। तो फिर इस केस में अगर सोचें कि इस वेलोसिटी को मतलब इस डायरेक्शन में अगर एनालाइज करें, मतलब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनालाइज करें, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, एंड दोनों पार्ट तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, तो इस केस में ऊपर मतलब इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी टाइम लगेगा। तो ऊपर जाने का टाइम कितना है, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन अल्फा है एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में जी कॉस थीटा का है, तो वेलोसिटी जीरो कर दीजिए आप, तो वी इक्वल टू जीरो डालोगे तो दैट विल बी यू साइन अल्फा माइनस ऑफ जी कॉस थीटा इनटू टी हो जाएगा। तो यहां से टी आपको मिल गया है एंड दैट टाइम इज बेसिकली यू साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा। तो इससे आपको ये पता चलेगा कितना टाइम के बाद वो ऊपर पहुंच गया, अब उतना ही टाइम के बाद ये नीचे भी पहुंच जाएगा, इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट आपकी हो जाती टू यू साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा, बट ये फिक्स इंक्लाइन प्लेन पे होता, यहाँ पे तो मूविंग इंक्लाइन प्लेन है। तो किसी भी मूविंग चीज को फिक्स करने का तरीका क्या है, आप अपने फ्रेम को वहां पे फिक्स करें, तो एग्जैक्टली सेम चीज मैं यहाँ पे अब करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी फ्रेम को इंक्लाइन प्लेन पे फिक्स कर दिया। अगर आप देखोगे तो एक इंसान को यहाँ पे खड़ा कर रखा है, दैट जस्ट इंडिकेट्स कि हमारा फ्रेम जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे फिक्स हो गया, मतलब वेज पे फिक्स हो गया है। तो अब मेरे लिए वेज फिक्स हो गया, वेज की वेलोसिटी को मुझे रिवर्ट करके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेक्टोरली एड करनी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी आपका 10√3 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी था और मैंने 10√3 का रिवर्टेड वेलोसिटी उसमें ऐड कर दिया वेक्टोरली। दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो रिजल्टेंट उनका हमेशा बाइसेक्टर पे होता है, तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे ले लिया। तो ये एंगल अगर 60 था तो ये एंगल टोटल आपका 120 हो जाता, एंड 120 का बाइसेक्टर लिया तो 60 एंड 60 दोनों तरफ हो जाएगा। तो अब 10√3 का cos 60, 10√3 का cos 60, तो ट्वाइस ऑफ 10√3 इनटू cos 60 दैट गिव्स यू अगेन 10√3, मतलब कि इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में भी वो 10√3 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। बट उसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो इंक्लाइन प्लेन से दिखेगी वो क्या दिखेगी आपको, अगर आप देखोगे तो ये वाली एंगल 60 हमने मार्क की है, तो अगर मैं इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक लाइन खींचूं तो ये वाली एंगल आपकी 30 है, तो ऑब्वियसली इधर से भी एंगल कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, मतलब इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपकी 30 है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाली वेलोसिटी आपको दिखा रखी है एंड दिस इज 30 डिग्री, बस उसके बाद तो कुछ बचा नहीं है। सो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपका हो गया जो मैं ऑलरेडी डिस्कस करके समझाया था, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है एंड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ जी जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन होगी। तो वही कर लिया, देखो ट्वाइस ऑफ यू रिलेटिव साइन 30 एंड डिवाइडेड बाय जी कॉस 30, यहां से आपको टाइम मिल गया जी 2 सेकंड्स आ गए। ठीक है, चलो अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अ बॉय स्टैंड्स 4 मीटर फ्रॉम अ वर्टिकल वॉल एंड थ्रोज अ बॉल, यहाँ पे वो दिखा रखा उन्होंने डायग्राम में। The ball leaves the boy's hands at 2 meters above the ground and with an initial velocity of 10 i cap plus 10 j cap. Okay, initial velocity दी हुई है. When the ball hits the wall, its horizontal component of velocity is reversed and its vertical component of velocity remains unchanged. ठीक है, तो इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि जैसे ये अगर वॉल है तो इस केस में अगर ये यहां से आ रहा है ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है, मान लो ये वी एक्स है और ये वी वाई है, तो टकराने के बाद जिसकी वेलोसिटी होगी वो रिवर्ट होके इधर भी एक्स हो जाएगी और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, ये भी वाई रहेगी। इसका मतलब ये सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपकी सेम हो जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तभी सेम होता है जब ये एक इलास्टिक कोलिजन करता है सर्फेस के साथ। इलास्टिक कोलिजन अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही जान के रखो कि फिक्स सर्फेस के साथ जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपकी सेम रहेगी। एंड एग्जैक्टली जितना स्पीड से आ रहा था टुवर्ड्स द वॉल, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो था वो आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से मैच करेगा। तो इलास्टिक कोलिजन का ही कंडीशन होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए। ये सब आप डिटेल्स में वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए जस्ट एक इन्फॉर्मेशन की तरह ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं पे भी आपको अगर कोलिजन के क्वेश्चंस मिलते हैं तो बस इसी कंडीशन को यूज करना पड़ता है यहाँ पे। अब उसने ये पूछा है कि वेयर डज द बॉल हिट द ग्राउंड, ग्राउंड पे कहाँ पे हिट करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने इसको ऐसे सोचा है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि हमने इसको वॉल को नहीं रखा होता, तब इसका लोकस कैसा होता वो तो हमको पता है कि ऐसे जाता फिर उसके बाद फिर किसी एक पॉइंट पे जाके ये लैंड कर जाता है। अब ये लैंडिंग पॉइंट हम आराम से निकाल सकते हैं सिंपल लोकस यूज करके, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos थीटा, इसको यूज करके आराम से हम लोकस में निकाल सकते हैं। तो पहले हमने यही कैलकुलेट किया, अगर आप देखोगे तो ये कैलकुलेट कर लिया, इससे हमें रेंज की वैल्यू मिल गई है, रेंज हैज कम आउट टू बी 20 + √560/2 आ गई है। ठीक है, तो इधर से अगर वापस से जाएं तो ये वाला डिस्टेंस हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब एक चीज लॉजिकली सोच के देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जब ये इससे स्ट्राइक कर रहा था
तो ऐसा कुछ था, सोचो अगर ये चला जाता इधर से तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर वी एक्स होती और ये वेलोसिटी वी वाई होती। यहाँ पे जब ये रिटर्न गया तो रिटर्न जाते वक्त उसने ऑलरेडी कह रखा है आपको कि इलास्टिक कोलिजन मतलब वर्टिकल वेलोसिटी आपकी वी वाई रहेगी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जस्ट रिवर्ट हो जाएगी, तो ये वी एक्स ले लिया। अगर आप देखोगे तो ये वाला पाथ जो मैंने दिखा रखा है, ये वाला पाथ ऑनवर्ड वाला पाथ, ये वाला एंड ये वाला पाथ एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होगा कि नहीं, क्योंकि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी एक पोजीशन है वहां पे, एक ही पोजीशन है दोनों का देखो, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब जमीन में गिरने में उसको टाइम सेम लगेगा। एंड जमीन में गिरने में अगर टाइम सेम लगेगा तो हॉरिजॉन्टली जितना डिस्टेंस वो आगे बढ़ेगा वो भी सेम होगा। तो क्यों? क्योंकि ये वाला वेलोसिटी तो दोनों का मैग्नीट्यूड में सेम ही है, तो ये जितना आगे इसको लेके गया है यहां से भी वो उतना ही आगे जाएगा। इसका मतलब बस मुझे ये फाइंड आउट कर लेना है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है और ये वाला डिस्टेंस ही बेसिकली आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइनल आंसर होगा, तो उसको मैंने डी मान लिया है। तो आराम से निकाल सकते हैं, आपको रेंज पता चल ही चुका था और रेंज के साथ आप अगर ये 4 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा एंड यही हमारा डी हो जाएगा, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इसको यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट व्हिच अ स्टोन कैन बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट इज ऑल इट ऑलवेज अपियर्स टू बी मूविंग अवे फ्रॉम द थ्रोअर। अब ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको पहले समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। हम किसी चीज को फेंकते हैं तो अगर सोचो कि अगर मैं ऐसा सिचुएशन एक दिखा रहा हूं, देखो आप ऐसे फेंका हमने, ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो इनिशियली वो यहाँ पे है, फिर बाद में यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो इसकी अगर सेपरेशन देखोगे तो आपसे लगातार बढ़ रही है, तो फिर ये लगातार आपसे सेपरेशन बढ़ रही है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे आपने फेंक के देखा है। बट क्या ये हर एक एंगल पे फेंकने पे आप कह सकते हो ये बात, ये सोचना पड़ेगा आपको। अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो फिर इसकी जो मतलब जो पैराबोला आपका बन रहा है वो पैराबोला बेसिकली आपका थोड़ा सा फ्लैट होता है, मतलब फ्लैट तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब इसको थोड़ा बोलना चाहिए कि ज्यादा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस पैराबोला का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कम होता चला जाएगा एपेक्स पे, क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा दोगे तो फिर ये ऐसा एक बनेगा, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो काफी बड़ा आएगा, बट अगर आप उसको वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा देते हो तो फिर इस केस में ये ऐसा एक शार्प पैराबोला बनेगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो इनिशियली अगर सेपरेशन देखोगे आप तो सेपरेशन इनिशियली तो बढ़ी है, इनिशियली बढ़ रही है एक सर्टेन टाइम तक तो बढ़ी है, बट उसके बाद फिर किसी ना किसी इंस्टेंट के बाद ये घटी भी है अगर आप देखोगे तो फिर इसका मतलब है वो ये उस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने एंगल तक, मतलब किस एंगल तक आप प्रोजेक्ट कर सकते हो सच कि आपको हमेशा ऑब्जेक्ट जो है आपसे दूर जाता हुआ दिखे, अब वो कभी पास आता हुआ नहीं दिखना चाहिए। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या कंडीशन हमें यूज करना है। देखोगे अगर तो पोजीशन वेक्टर जो R1 दिखा रखा है मैंने, किसी भी मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट को एक थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है दैट इज एन एंगल थीटा, ठीक है, वैसे एकदम बिल्कुल कॉमन कन्वेंशन यूज किया है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी भी एक आर्बिट्री पोजिशन पे दिखा रखा है और उस आर्बिट्री पोजिशन पे पोजिशन वेक्टर उसकी R1 है ये वाली, और इस पे वेलोसिटी जो है वो V1 है। अगर आप देखोगे तो V1 और R1 के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट है, और अगर एंगल एक्यूट है इसका मतलब कि सेपरेशन जो है इन दोनों के बीच में अभी बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन का, देखो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इसको V1 into cos of theta 1 लिख रहे हैं, तो V1 cos theta 1 देखोगे तो R1 के डायरेक्शन में, इसका मतलब ये इससे इसका सेपरेशन को क्या करेगा, दूर करेगा। इसका मतलब अगर वी डॉट आर वी वन वी इफ वी डॉट आर इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये होता है कि जो पोजिशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब सेपरेशन इंक्रीज कर रही है, दैट्स इट, समझिए। बट ये काम कब तक होगा, जब तक आपका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब ये अगर नोटिस करोगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब ये वेलोसिटी और जो पोजीशन वेक्टर है इन दोनों के बीच का एंगल 90 भी हो जाएगा, अगर ये एंगल 90 हो गया तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर देखोगे तो वेलोसिटी और जो पोजीशन वेक्टर है उनके बीच का एंगल जो है वो एक्यूट आ रहा है, ऑब्ट्यूज आ रहा है, मतलब इधर से देखोगे ये वाला एंगल होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस विल बी ऑब्ट्यूज, तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनल एंगल जो होगा वो आपका एक्यूट हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी जो है V2 जो दिखा V3 दिखा रखा हमने पोजीशन वेक्टर R3 पे, तो यहाँ पे देखो अगर ये देखोगे तो ये वाला एंगल एक्यूट है, बट इधर से एंगल देखोगे तो ये आपका ऑब्ट्यूज ही दिखेगा। तो इससे आपको पता चल रहा है कि डॉट मतलब जो वेलोसिटी का कंपोनेंट V3 का जो कंपोनेंट हमने दिखा रखा है V3 का कंपोनेंट V3 cos थीटा 3 ये टुवर्ड्स द पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब है कि सेपरेशन क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देगा, और सेपरेशन डिक्रीज कर दिया तो वो तुम्हारा कंडीशन नहीं है, क्योंकि उसने कह रखा था कि इट शुड ऑलवेज अपियर टू बी मूविंग अवे फ्रॉम द थ्रोअर, मतलब सेपरेशन हमेशा बढ़ना चाहिए।
तो कंडीशन क्या यूज करना पड़ेगा आपको कि v डॉट r की वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। वो घट नहीं सकता है, v डॉट r की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ तो वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है वो टुवर्ड्स द पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा एंड वो डिस्टेंस को कम कर देगा। तो उसी कंडीशन को बस यूज किया है, तो r डॉट v को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखा है, इक्वलिटी इक्वल टू जीरो तक भी हमारा होल्ड करेगा, क्योंकि मतलब ये जस्ट एक्सट्रीम वाला केस को इंडिकेट करेगा कितना मैक्सिमम एंगल तक आप फेंक सकते थे। इसमें जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, पोजीशन वेक्टर को आपको पता है xi कैप प्लस yj कैप लिखते हैं, वेलोसिटी को आप vxi कैप vyj कैप लिखते हो, तो उनकी वैल्यूज को बस सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें जो फाइनल इक्वेशन मिला है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है टाइम टी में। अगर आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम टी का दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू आ रही है देखोगे तो वो कह रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब खुद ही सोच के देखो, पैराबोला हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा है, अगर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेते हैं और हम कहते हैं कि ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का कंडीशन कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वाई है, ये वाई है और ये एक्स है, तो इस केस में आपके पास पॉसिबल केसेस क्या होते हैं, खुद ही सोच के देखो, ये एक्स है ये वाई है, तो पॉसिबल केसेस होते हैं कि एक एक है आपका कि पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह जाए, दूसरा है टच करके चला जाए एंड तीसरा है इंटरसेक्ट करके जाए। तो आपको ये पता है कि अगर ये इंटरसेक्ट करके जा रहा है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, अगर टच करके जा रहा है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है एंड अगर ऊपर से चला जा रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन है जहां पे पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट आपकी लेस देन जीरो होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो है इसका मतलब है कि आपको जो कंडीशन चूज करना है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू जीरो चूज करना है, क्योंकि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, एक्सप्रेशन है ये वाली एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, इक्वल टू इंक्लूडेड है तो यहाँ पे इक्वल टू इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन इक्वल टू जीरो किया तो आपको थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है, ठीक है। तो थीटा आपको यहाँ से क्लियरली मिल गया, साइन थीटा की वैल्यू आपका लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 8/9 आना चाहिए। तो अगर देखोगे ये एंगल ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू आपका 90 डिग्री होगा, वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, क्योंकि ये 8/9 इज वेरी क्लोज टू 1, वेरी क्लोज टू 1, तो इसीलिए एंगल भी आपका 90 के काफी क्लोज होगा, काफी क्लोज होगा, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे सोच के देखो, ये वर्टिकल लाइन है तो इस वर्टिकल लाइन से एक छोटा सा एंगल करके फेंकोगे तभी होगा, क्योंकि ये आपको डायग्राम में ऑलरेडी मैंने समझाया था कि अगर हॉरिजॉन्टल की तरफ से फेंकोगे ऐसे फेंकोगे तब तो ये कभी भी आपसे पास आएगा ही नहीं, हमेशा दूर ही जाता हुआ पेयर होगा। अगर वर्टिकल से फेंकोगे तब फिर यू नो पहले दूर जाएगा फिर पास आएगा, काफी वर्टिकल की तरफ फेंकना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ फेंकोगे इंक्लाइन करके तो ज्यादा नहीं, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज अभी आपको बताता हूँ, वो है आपका फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज आपकी फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, ये बेसिकली रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। अगर मान लो कि हम कहते हैं कि कोई भी एक मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन का, और उस मीडियम में कोई एक पॉइंट है, वहां से लाइट को ट्रैवल करनी है किसी दूसरे मीडियम में म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और वहां पे पॉइंट बी ले रखा है, तो जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चल के जाता है तो फिर उस केस में वो वाला पाथ को ही चूज करता है जिसमें उसको टाइम सबसे कम लगता है। So that is what Fermat's principle says. जैसे आप इसमें सोचोगे तो मल्टीपल पाथ पॉसिबल है, कोई सोचे बोले तो यहाँ से यहाँ ऐसे जाए फिर ऐसे जा सकता है, बोले हाँ जा सकता है, फिर बोले कोई ऐसे जा सकता है, बोले हाँ जा सकता है, कोई बोले ऐसे जाके फिर ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, बोले जा सकता है, बट इनमें से कौन सा वो चूज करेगा, वो वाला चूज करता है जिसमें उसको टाइम सबसे कम लगता है, ए से बी जाने में उसको टाइम जिसमें सबसे कम लगेगा वही वाला पाथ को वो चूज करता है। दिस इज वॉट Fermat's principle says. तो इसमें मैंने क्या किया, देखो पॉइंट ए जो है वो h1 हाइट है इंटरफेस से, और पॉइंट बी जो है वो h2 हाइट पे है इंटरफेस से, ये h1 और h2 मैंने दिखा रखा है, और ये जो ए और बी है उनके बीच का सेपरेशन जो है हॉरिजॉन्टली वो मैंने एल दिखा रखा है, तो ए एंड बी का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑब्वियसली फिक्स्ड होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पॉइंट ए पॉइंट बी फिक्स्ड है, आप पाथ को डिफरेंट चूज करना है। तो मान लेते हैं कि जो रे था वो किसी एक आर्बिट्री पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, और ये आर्बिट्री पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो इधर से x डिस्टेंस पे था, ठीक है, तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ से कितना हो जाएगा l माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये यहाँ पे मार्क करके दिखा रखा है l माइनस एक्स है, ठीक है। अब ये एंगल थीटा वन, ये एंगल थीटा टू, थीटा वन थीटा टू आपको आराम से मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस जो है a से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का वो हो गया रूट अंडर एच वन का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पॉइंट b का डिस्टेंस हो गया रूट अंडर एच टू स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा लाइट को, तो वो कितना लगेगा, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, तो यहाँ पे c अगर मीडियम में लिखना चाहते हो तो c मीडियम में होती है, c इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, तो
तो ये वाली वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी. तो सी वन अगर चाहिए, मीडियम वन में रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट चाहिए, तो सी डिवाइडेड बाई म्यू वन करना पड़ेगा. मीडियम टू में चाहिए तो सी डिवाइड बाई म्यू टू करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमने टाइम की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ एक्स. अब आपको पता है कि टाइम की वैल्यू अगर आपको मिनिमम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम को एंड फिर इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा. मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है. तो ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है आपको. तो ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, आप खुद से चेक कर लेना डिफरेंशिएशन, उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं. एंड रिजल्ट देखो काफी अच्छी आ गई है. एंड रिजल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन जो आई है ये आई है म्यू वन इंटू एक्स बाई रूट अंडर एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर ये देखो एक्स बाई सॉरी ये चेक करो ये एक्स है और ये है रूट अंडर एच वन स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर मतलब ये वाला डेटा. ये एंगल आपको पता है थीटा वन है तो साइन थीटा वन का ही वैल्यू तो हो गया ना एक्स बाई रूट अंडर एच वन स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर. सिमिलरली आर एच एस में अगर आप देखोगे तो ये आई है म्यू टू एंड इंटू एल माइनस एक्स बाई एच रूट अंडर एच टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर. ये अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल से देखोगे ये वाला डिस्टेंस देखो ये है एल माइनस एक्स और ये वाला है रूट अंडर एच टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर. तो इसका मतलब ये साइन थीटा टू हो गया. इसका मतलब म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू आ गया जो कि आप स्नेल्स लॉ से जानते हैं. इसका मतलब है कि बेसिकली किसी भी एक मीडियम में कितनी फास्ट चल सकता है लाइट और दूसरी मीडियम में उसकी लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है. तो फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर उसको जाना है और टाइम सबसे कम लगाना है तो फिर उस केस में वो वही वाली पाथ को चूज करता है मतलब वही वाली पाथ को चूज करता है जिसमें स्नेल्स लॉ सेटिस्फाई होती है. ठीक है, तो इसको एक स्टैंडर्ड रूल की तरह ध्यान रखिएगा कि स्नेल्स लॉ जिस पाथ में सेटिस्फाई होती है वही वाली पाथ में आपका टाइम सबसे कम होता है. अब इसको एक डेली लाइफ में एक एप्लीकेशन की तरह दिखाते हैं. न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है उसमें इसका यूसेज करेंगे. नॉर्मली ये बुक्स में डिफरेंट तरीके से होता है, मैं आपको फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से डायरेक्टली यूज करके दिखाऊंगा. क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अ फिशिंग बोट इज एंकर्ड 9 मीटर्स फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑन अ शोर. डायग्राम भी आपको दिखा देता हूं. ये देखो, सो यहाँ पे एक शोर दिखा रखा है, ये एक शोर है और इस शोर पे यहाँ पे एक बोट है. ठीक है, एंड ये 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द शोर. तो यहाँ पे भी आपका ये भी एक शोर है, ये दूसरा शोर है. बेसिकली एक रिवर है तो उसका ऑब्वियसली दो शोर होगा, एक इधर का शोर होगा, इधर का शोर होगा. तो यहाँ पे हो गया. अब उसने क्या रखा है, मैसेंजर मस्ट बी सेंट फ्रॉम फिशिंग बोट टू अ कैंप. कैंप यहाँ पे दिखा रखा उन्होंने, दिस इज अ कैंप 15 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द शोर क्लोजेस्ट टू द बोट. ये है आपका, यहाँ से 15 किलोमीटर है. इफ द मैसेंजर कैन वॉक एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, वो वॉक कर सकता है 5 किलोमीटर पर आवर से, and row at a speed of 4 km per hour. Obviously, rowing speed कम है. Determine the distance of point in kilometers from the shore where he must start running so that he can reach the camp in least possible time. ठीक है, ये आपको निकालनी है. अब इसको कैसे करें, वापस से सोचो कि अगर ये बोट में मतलब पानी में इंसान फिर उतर के फिर जमीन में इंसान नहीं चल रहा होता, अगर ये मान लो कि लाइट रे होता जिसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना होता, तो बस ये सोच के देखो कि पहले वो क्या है, पहले वो पानी में ट्रैवल करेगा फिर एयर में ट्रैवल करेगा और उसको सबसे कम टाइम लेना है. तो अब आप बोलोगे कि सर इस केस में ऐसा क्यों नहीं ट्रैवल कर लेता वो ऐसा डायरेक्टली यहां से यहां. तो यहां से देखोगे तो बोलोगे कि सर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो है ये, तो इसको यही ले लेना चाहिए था, लंबा पाथ क्यों ले, शॉर्टेस्ट पाथ जरूर है ये बट इसमें क्या उसकी स्पीड ज्यादा है, इसमें स्लोएस्ट भी तो ट्रैवल कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ है बट ये स्लोएस्ट ट्रैवल है इसलिए इसमें टाइम सबसे कम लगेगा, ये जरूरी नहीं है, टाइम ज्यादा भी लग सकता है. फिर तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं ट्रैवल कर लेता, फिर ऐसे जाए एंड फिर ऐसे चला जाए, मतलब ज्यादा देर तक वो फास्ट चले अपने पाथ में, तो ये जरूरी नहीं है. देखो इस तरह से जब आप चल रहे हो तो इस केस में अपने पाथ लेंथ काफी लंबा कर दिया, यू हैव एक्सटेंडेड द पाथ लेंथ बाय अ लार्ज अमाउंट. तो इसलिए लार्ज लंबा पाथ लेंथ अगर फास्टर भी चल रहे हो तो इसलिए आप हो सकता है कि टाइम आपका ज्यादा लग जाए, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज करके कहीं बीच में आपको लैंड करना पड़ेगा. कहाँ पे लैंड करना अभी आपको पता नहीं है बट बीच में कहीं लैंड करना पड़ेगा ताकि आप जो है मतलब एक आपकी स्पीड जो है वो मतलब कहीं पे ज्यादा थी कहीं पे कम थी एंड पाथ लेंथ जो है वो कहीं पे ज्यादा हो जा रहा था कहीं पे कम हो जा रहा था, तो ये कॉम्पनसेट आपस में हो जाए.
मतलब शॉर्टेस्ट पाथ भी ना रहे, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ जो रहेगा उसमें आप सबसे स्लोएस्ट चल रहे थे, और जो लंबा वाला पाथ है उसमें आप फास्टेस्ट चल रहे थे। तो सबसे लंबा पाथ है उसमें फास्टेस्ट चल के कोई फायदा नहीं है, और जो सबसे छोटा पाथ है उसमें स्लोएस्ट चल के भी कोई फायदा नहीं है, तो बीच का किसी पॉइंट पे आपको लैंड करना पड़ेगा ताकि आपका टाइम सबसे कम लगे। अब इसमें सोचा कि अगर ये लाइट रे का ट्रैवल होता, तो इस केस में अगर लाइट पानी से फिर एयर में जा रहा है, तो फिर उस केस में इसको ऑब्वियस है कि अगर यहां से मतलब पानी से फिर एयर में बाहर निकल के सर मतलब इंटरफेस पे ही ग्रेज करके बाहर निकलना है, तब तो आपको पता है ना क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस करना पड़ता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन आपने पढ़ा होगा, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, मैक्सिमम एंगल है रादर, जब तक आप स्नेल्स लॉ को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब रे आपको इमर्जेंट रे मिलेगा। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करते हो, तो फिर उस केस में रे जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेता है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है सेम मीडियम में। अगर क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस करोगे एक्जैक्टली, तो फिर उस केस में ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन होगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो फिर उस केस में आप स्नेल्स लॉ डायरेक्टली लगा सकते थे कि म्यू वन इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू टू साइन 90, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री है, तो साइन थीटा सी की वैल्यू मिल गई म्यू टू बाई म्यू वन, एंड म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट था, तो इसका मतलब म्यू टू बाई म्यू वन की वैल्यू को हम वी वन बाई वी टू लिख सकते थे। अब बस लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको स्पीड ऑफ लाइट नहीं करके अब इसको स्पीड ऑफ पर्सन चेंज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मीडियम जो है वो वाटर था, वो वाटर में उसकी स्पीड कितनी थी, 4 थी, एंड बाद में जब वो लैंड कर रहा था मतलब जब वो बोर्ड से उतर के फिर जमीन पे गिर रहा था, तो जमीन पे वो चल रहा था वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो वो V2 भी है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई है, एंड जैसे ही साइन थीटा 4/5 मिल गया तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 53 डिग्री हो गई। जैसे थीटा आपको 53 डिग्री मिल चुका है, तो फिर उस केस में तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू को यूज करके एक्स निकाल सकते हो। टैन थीटा की वैल्यू को यूज करके हमने यहाँ से एक्स निकाल लिया, अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक्स मिल गया है। एंड फिर अगर आपको टाइम चाहिए था कि मिनिमम टाइम कितनी है, वो तो उसने पूछा नहीं था इस क्वेश्चन में, बट अगर पूछा होता तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाले डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ पे ये वाले डिस्टेंस भी पता है क्योंकि एक्स निकल चुका है, तो ये वाले डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी वन कर लेंगे, और ये वाली डिस्टेंस डिवाइड बाय v2 कर लेंगे, आपको मिनिमम टाइम पे मिल जाएगा। तो देखो वही कर लिखा है, तो यहां से हमें टाइम पे मिल गई है, ठीक है।